बांसगांव थाने की पुलिस से मुठभेड़ के दौरान पुलिस की टॉप 10 लिस्ट में शामिल 25,000 रुपए का इनामी कुख्यात अपराधी राधे यादव पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। इस दौरान एक एसओ और दो कांस्टेबल भी जख्मी हुए। आपको बता दें, बांसगांव पुलिस द्वारा बदमाश राधे यादव की घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पर फायरिंग करते हुए राधे यादव भागने लगा। इस दौरान बांसगांव के एसओ और दो कांस्टेबल घायल हो गए। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली राधे यादव के पैर में लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वहीं उसके साथ रामजीत यादव भी था, जो मुठभेड़ के दौरान फरार हो गया। राधे यादव और मुठभेड़ में घायल पुलिसकर्मियों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस राधे के साथ ही रामजीत को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। आपको बता दें, बांसगांव के एसओ जगत नारायण सिंह को सूचना मिली थी कि धसका गांव का रहने वाला हिस्ट्री शीटर राधे श्याम यादव उर्फ राधे पुत्र हीरा यादव अपने साथी बदमाश रामजीत यादव निवासी हथियागढ़ थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के साथ बेलीपार की ओर जा रहा है। मुस्तैदी दिखाते हुए रात 1 बजे के करीब पुलिस ने दोबहा के पास दोनों को घेर लिया। पुलिस को देखते ही राधे यादव और रामजीत ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में राधे यादव के दाहिने पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वहीं रामजीत यादव किसी तरह मौके से भागने में कामयाब रहा। एनकाउंटर में एसओ जगत नारायण सिंह, कांस्टेबल सुनील यादव और सद्दाम भी घायल हुए। पुलिस ने राधे यादव के पास से 315 बोर का एक तमंचा, 3 कारतूस के खोखे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि बदमाश राधे यादव बांसगांव थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। वह जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है। उस पर कुल 34 मुकदमे दर्ज हैं। लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी। आज उसे पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, गोरखपुर पुलिस ने सुबह लगभग 2 बजे जनपद के टॉप 10 बदमाशों में से एक राधे यादव को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। इस दौरान उसने पुलिस पर गोली चलाई और पुलिस ने आत्मरक्षा जब गोली चलाई तो उसकी टांग में गोली लगी। और राधे यादव लगभग 22 मुकदमों में इन्वॉल्व है और ये वांछित भी था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। जनपद पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है।